स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आए हम अपने खेत पर पेड़ लगाने के लिए, पॉपुलर के पेड़। तो ये हमारे पास बर्मा, इससे जो है छेद हो रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, गड्ढे बनाए जा रहे हैं। तो गड्ढे देखिएगा यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो बर्मा है गाइस, यहाँ पर ये ऐसे करके गोल गोल घुमाया जाता है और यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, इसकी मिट्टी भी इसी से निकल जाती है। और जो हमारे पेड़ हैं गाइस, वो जो पेड़ हैं वो उधर हैं, मैंने आपके लिए पहले भी दिखाया था और एक बार और दिखा दूंगा उधर जाके। तो वहाँ से एक कसी की सहायता से, यानी कि एक खुदाल होती है, तो उससे वहाँ से पेड़ उखेड़े जाएंगे, खोदे जाएंगे और यहाँ पर इन गड्ढों में ला के रख दिए जाएंगे। और फिर गड्ढे जो है ये मिट्टी से पाट दिए जाएंगे, उसके बाद में जो है पेड़ अपने आप जो है उस पर पत्ते आने लगेंगे और हरा हो जाएगा। अगर गाइस हम उस पेड़ को खोद के अगर दो चार दिन रख लें तो सूख जाता है, इसीलिए हमारे लिए ये पेड़ जो है तुरंत ही इस गड्ढे में वहाँ से उखेड़ कर रखने पड़ेंगे ताकि पेड़ सूखे ना। तो अभी पूरा प्रोसेस आपके लिए दिखाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो गाइस देखिएगा, हमने इसे घुमा घुमा के इस तरीके से इतना गड्ढा कर दिया और इसमें मिट्टी भर चुकी है, तो इस तरीके से इसे बाहर निकाला जाता है। देखिएगा इसमें काफ़ी मिट्टी भरी हुई है, तो इसके लिए फिर ऐसे किया जाता है और ये जो मिट्टी है साइड में डाल दी जाती है, ताकि गाइस जब हम इसमें पेड़ लगाते हैं तो यही मिट्टी से इस गड्ढे को पाट देते हैं, इसीलिए ये पास में ही डाली जाती है। गाइस गड्ढे सारे हो चुके हैं पेड़ लगाने के लिए और उधर देखिएगा पेड़ की पौधा है, तो अभी हम आकर उन पेड़ों को उखेड़ेंगे, यानी कि उन्हें खोदेंगे कुदाल से और फिर उसके बाद में जो है गड्ढों में पेड़ लगाएंगे। तो अभी चलते हैं घर पे और कुदाल लेके आओ। तो गाइस अभी हम घर से दोबारा आ चुके हैं और ये देखिएगा एक कैन ले आए हैं जो कि पानी से भरी हुई है, क्योंकि जब पेड़ गाड़े जाएंगे तो गड्ढे में थोड़ा पानी डाला जाएगा नमी के लिए। उधर देखिएगा जो है पेड़ों की खुदाई हो रही है कुदाल से, तो अभी चलते हैं पेड़ों के पास और देखते हैं कैसे उनकी खुदाई हो रही है। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर एक कसी के द्वारा जो है पेड़ उखेड़े जा रहे हैं, जो कि कुदाल की ही तरह है, और यहाँ पर पेड़ों को विद जड़ के उखेड़ा जा रहा है ताकि जो जड़ है इसकी वो अच्छे से मतलब जम आए, सूखे ना पेड़, इसीलिए इन्हें जड़ के समीप ही खोदा जा रहा है। और यहाँ पर आगे देखिएगा इसमें जो है आँखें होती हैं जिसमें से पत्ता निकलते हैं, और हमने यहाँ पर देखिएगा पूरा लगभग काफ़ी पेड़ इकट्ठे कर लिए, गड़ा टाइप में बना लिए, गट्ठा टाइप में। इस गट्ठे को हम उठा के ले जाएंगे और सारे पेड़ लगा देंगे। तो अभी हम पेड़ खोदते हैं यहाँ पर इस कसी से ही और चलते हैं फिर। और आगे देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से इसमें आगे जो है आंखें होती हैं, इन्हीं में से गाइस पत्ते निकलते हैं फिर वो बड़े होते हैं। तो गाइस अभी हमने काफ़ी सारे पेड़ उधर लगा दिए हैं लाइन से और काफ़ी सारे पेड़ इधर नीचे हैं, और ये देखिएगा हम इस तरीके से जो है इन खड्डों में इन्हें रख रहे हैं। अब गाइस ये हम काफ़ी सारे पेड़ अभी इसमें लगा चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी उधर रखी है पानी की एक कैन, उसके लिए लेकर आएंगे और इनमें हल्का हल्का पानी डालने के लिए पानी डालकर इन्हें जो है इन पे मिट्टी डाल देंगे ताकि इनमें नमी बनी रहे, ये सूखे ना। फिर कुछ दिन के बाद में इनमें पानी लग जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इन सारे पेड़ों को यहाँ पर इन गड्ढों में डाल के पानी की कैन लाते हैं और इनके जो गड्ढे हैं इनके लिए पाट देते हैं। तो गाइस देखिएगा पिताजी हमारे पानी लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं उनमें पानी डालना पड़ रहा है उनके गड्ढों में ताकि नमी बनी रहे। तो काफ़ी दूर से जो है पानी आ रहा है, साइकिल है, साइकिल पे कैन रख के लेकर आते हैं और फिर बाल्टी से जो है इन खड्डों में जो है पानी पड़ रहा है, और फिर इसके बाद में ये गड्ढे जो है पाटे जा रहे हैं। और अभी इनके ऊपर जो है एक बार और पानी डाला जाएगा ताकि इनमें ऊपर भी नमी बनी रहे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है जगह हमने पानी भरने के लिए रखी है। तो गाइस अभी देखिएगा हमने जो पेड़ हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है गड्ढा और इसमें हमने दो मग्गा पानी डाल दिया है, और इधर देखिएगा फिर हम इन पे जो है मिट्टी से इन्हें पाट रहे हैं, मतलब कि इन्हें दबा रहे हैं। ये देखिएगा इस तरीके से हमने सारे जो पेड़ हैं वो यहाँ पर देखिएगा लगा दिए हैं ये, और इधर भी हमने काफ़ी सारे जो है पेड़ इतने सारे दबा दिए हैं, और इधर भी अभी काफ़ी सारे पेड़ हैं तो उन्हें हम सब पेड़ों को जो है दबाएंगे, तो फिर उसके बाद में ये पेड़ जो है तैयार हो जाएंगे। तो गाइस देखिएगा अभी हम ऊपर से इन पे पानी लगा रहे हैं, पेड़ तो सारे गड़ चुके हैं, यानी कि पेड़ सारे लग चुके हैं। अब ऊपर से इनमें इसलिए पानी डाल रहे हैं ताकि इनमें अधिक नमी बनी रहे, और इसके बाद में अभी चलेंगे हम घर। तो फाइनली गाइस सारे पेड़ लग चुके हैं, इस वाली मेड़ पे लगभग 100 पेड़ लगे होंगे, तो हमने 100 के 100 पेड़ लगा दिए हैं। अभी बची है वो वाली मेड़ और उधर वाली मेड़, यानी कि तीन मेड़े हमारे पास बची हैं और एक पे हमने लगा दिए हैं। तो समझिएगा कि तीन मेड़ बची हैं, 300 वो और 100 ये, लगभग 400 पेड़ जो है
टोटल पेड़ लग जाएंगे। तो अभी शाम हो चुकी है, सूरज भी जो है ढल चुका है, तो अभी चलते हैं घर। और थोड़ा सा जो है पानी लगने के लिए रह गया, तो एक कैन पानी और आ रहा है, वो इन पर लग जाएगा, उसके बाद में हम घर चलते हैं। तो इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस एक बात और बोलना चाहूँगा यार, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है फिलहाल में, अभी तो मैंने पानी से धो लिए हैं, क्योंकि कल से लगातार गड्ढा करना और अभी जो है इस तरीके से इनके लिए कूट कूट के दाबना पेड़ों को, ताकि ये इधर उधर हिले ना, तो इस तरीके से बहुत सारा दर्द हो रहा है, हाथ लाल भी पड़ गए मेरे। और किसान की यार इस मेहनत को लाइक ज़रूर करना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप भी यार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को बहुत अच्छा शुद्ध साफ मतलब रखते हैं, तो आप भी पेड़ ज़रूर लगाएँ। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।